भारत में जन्मे एक मठवासी संत, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवाजन को प्रेरित करता है। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का महत्व बताने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। दोस्तों, आप हैं ब्लैक डायरी के संग और देख रहे हैं बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स, और ये है एपिसोड नंबर फर्स्ट। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। एक पुस्तकालय से वो रोज किताबें लाते और उसे वापस कराते। एक दिन कर्मचारी ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए? विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए। आप कुछ भी पूछ लीजिए। कर्मचारी ने एक पृष्ठ खोला और उसका नंबर बताकर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है। विवेकानंद ने बिना कुछ देखे उस पृष्ठ का हूबहू सारा विवरण बता दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है? वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीत गया पता ही ना चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू किए और 20 मिनट से अधिक बोले। उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी आत्मा से पृथक रखकर प्रेम करते हैं तो फलतः हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मा से जोड़कर देखें या उसे आत्मस्वरूप मानकर चलें, तो फिर हम हर स्थिति में शोक, कष्ट, रोग, द्वेष, तटस्थ रहेंगे, निर्विकार रहेंगे। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय आध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे।
वर्ष 1887 में वे स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़भूजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। इस प्रकार उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों, पुरोहितवाद से लोगों को बचने की सलाह दी। अपनी विचार क्रांति से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है और वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। चार जुलाई 1902 को वे 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी जन जन को झंकृत करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। ये आपको कैसे लगी और इसी तरह की बायोग्राफीज को हम और किस बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें और जाते जाते ब्लैक डायरी का आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन आपको नजर आ रहा है उसे भी आप दबा दीजिए। शुक्रिया।